नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। गर्मी का मौसम और फूड हमारे जो हैं बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, कंटामिनेटेड हो जाते हैं, और इस वजह से पेट में दर्द, उल्टी और लूज मोशंस की शिकायतें आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में फ्रेश फूड्स ही खाए जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ही सब्जी, चावल, दाल के ख़राब होने की संभावना रहती है। मीट्स, चिकन, फिश इत्यादि भी बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, और ख़ास करके हम लोग जब कि शादी वगैरह में, फंक्शन में जाते हैं, लेट नाइट होने से इवन कि सुबह में भी खाना पड़ता है, उस परिस्थिति में हम इन्फेक्टेड फूड खाते हैं और हमें लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन होने की स्थिति में हम सिप्रोफ्लोक्सासिन की गोली, उल्टी होने पर ओंडेम का सेवन करते हैं, साथ में पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाती है, हमें इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन करना चाहिए, लेना चाहिए। दही का प्रयोग हमें अपने भोजन में गर्मियों में ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों में ये बीमारी भी अक्सर मिलती है आज के सीज़न में, और हमें उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जा कर के इंट्रावेनस थेरेपी, वेन में पानी चढ़ाने की बात करनी चाहिए, जो कि जनरली रिंगर लैक्टेट होता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा नहीं हो जाए। डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाने से लूज हमें पानी तो चढ़ाना ही पड़ेगा, साथ में रीनल प्रॉब्लम भी हो जाएगा, किडनी की भी शिकायत हो जाएगी, और तब हम अच्छा खासा परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को लूज मोशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे कई और दस्त कहते हैं। आजकल कंटामिनेटेड फूड की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेनी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। लूज मोशंस, वोमिटिंग को हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ में भोजन में ज़्यादा तेल वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्याह शादी में भी पार्टी का फूड भी एक प्रकार से समाज में अक्सर एसिडिटी, लूज मोशन का कारण बन जाता है। इससे हम लोगों को बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका प्रयोग करना चाहिए, सो दैट कि हम लोग अपने को, अपने सोसाइटी को स्वस्थ रख सकें। ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और पानी निकलते ही इलेक्ट्रोल पाउडर का प्रयोग हमें करनी चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है।
इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है और हम लोगों को इसका यूज करना चाहिए। धन्यवाद।